वेलकम टू मॉडर्न किचन। मैं हूँ आस्था। बूंदी का रायता बहुत ही कॉमन सी डिश है और आप सारे लोग इसको बहुत ही अच्छे से बना भी लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बूंदी का रायता बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका बूंदी का रायता बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को देख लेते हैं। बूंदी रायता बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 1.5 कप बूंदी और इसमें डालेंगे 2 कप हल्का गर्म पानी और इसको रेस्ट करने देंगे 5 से 6 मिनट। तो जब तक ये रेस्ट करेगा, हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे जो आपके बूंदी रायते को बहुत ही अलग टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक जार में थोड़ा सा हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक और सिर्फ 2 लहसुन। अब डालेंगे 10 12 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा डाल दें और पानी डाल के इसका आपको मोटा पेस्ट बनाना है, बहुत आपको पेस्ट महीन नहीं करना। तो इस तरह से पेस्ट बना के आप तैयार कर लीजिए। तो अब जो बूंदी है अच्छे से फूल गई है, हम इसका हल्के हाथों से पानी निचोड़ देंगे और एक बाउल में रखते जाएंगे। तो अब बूंदी में से सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप फेटा हुआ दही। दही डालने से बूंदी का रायता थोड़ा सा गाढ़ा बनता है। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो आप दही की जगह पे मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्स कर दें इसको और जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा पेस्ट आप गार्निशिंग के लिए बचा के रख लीजिए। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 चुटकी क्रश की हुई काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दें, बहुत ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, सादा नमक डालेंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए ली है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च रखेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था वो रख देंगे, थोड़े से प्याज के साथ अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जिससे मैं इसको थोड़ा सा और गार्निश कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही कम तीखी होती है तो इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो बूंदी का रायता अब पूरी तरह से रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉडर्न किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।